वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आपने पिछले दिन अध्याय दो के सातवें श्लोक का पाठ किया था, जिसमें अर्जुन ने एक प्रकार से शरणागति प्रभु की स्वीकार कर ली, ग्रहण कर ली, भगवान के चरणों को पकड़ करके मस्तक रख करके बोल दिए थे, त्वाम प्रपन्नम। त्वाम प्रपन्नम अर्थात आपकी शरण में आया हूँ, आपका शरणागत हूँ, मैं कायरता के दोष से ग्रस्त हो गया हूँ अथवा धर्म के विषय में मूढ़चित्त हो गया हूँ और ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरा कल्याण किस कार्य में है, इसलिए मुझ भ्रमित असमर्थ को आप शिष्य मान लीजिए, अर्थात मैं शिष्य हूँ आपका, शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ और आपके चरणों में शरणागत हुआ हूँ, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वो कृपा करके बताइए। यत श्रेय तान ब्रूहितन में, तो ये हम लोगों ने श्रवण किया था सातवें श्लोक को, अब आठवां श्लोक हम पाठ करने जा रहे हैं। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्या यच्छोक मुच्छोषण मिन्द्रियाणां अवाप्य भूमा वशपत्न मृद्धं राज्यं सुराणा मपि चाधिपत्यम्। नहि प्रपश्यामि मम पुनुद्य यच्छोक मुच्छोषण मिन्द्रियाणां अवाप्य भूमा वशपत्न मृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। श्री राधे राधे। हाँ, पिछले श्लोक से हम ले रहे हैं, पिछला श्लोक अर्थात सातवां श्लोक। सातवें श्लोक में अर्जुन ने कहा था धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मेरा चित्त मूढ़ हो गया है, मूढ़ हो गया मेरा चित्त। चित्त का अर्थ क्या होता है? चेतना। मेरी चेतना धर्म के विषय में मूढ़ हो गई। मूढ़ का तात्पर्य अज्ञ हो गई, अनभिज्ञ हो गई, भ्रमित हो गई। चित्त चेतना धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा चित्त अर्थात मेरी सेंस जो है वो जैसे चली गई, अपनी ड्यूटी को भूल गई, अज्ञान में पड़ गई। और धर्म के विषय में भगवान का स्वरूप बताया गया है रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात भगवान धर्म के स्वरूप हैं। अर्जुन का तात्पर्य है आप धर्म के स्वरूप हैं और धर्म के विषय में मैं मूढ़ चित्त हो गया हूँ, इसलिए धर्म का ज्ञान आप कराइए। और ये भी बात है कि जो भगवान से अच्छी तरह से प्रेम के साथ भक्ति के साथ जुड़ जाता है तो उसका जीवन पूरा का पूरा धर्ममय हो जाता है। जैसे भरत जी का जीवन था कि वशिष्ठ जी से उन्होंने पूछा कि मुझे कैसे रहना है, क्या क्या करना है, राजा का प्रतिनिधि बनकर मुझे अयोध्या में शासन करना है, तो आप बताइए कि कैसे कैसे मुझे धर्म का आचरण करना होगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा था समुझब कहब
करब तुम जोई, धर्म सार जग होए सोए। वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा था, तुम जो समझोगे, करोगे और कहोगे, वही धर्म का सार हो जाएगा। अर्थात तुम धर्म से अलग नहीं जा सकते हो, तुम्हारा जीवन धर्म का स्वरूप बन गया है, जैसे भगवान का स्वरूप होता है। ऐसे ही वशिष्ठ जी ने कहा, तुम जो कहोगे, करोगे, समझोगे, वो धर्म का ही स्वरूप होगा। तो अर्जुन धर्म के विषय में मूढ़चित्त हो गए, अर्थात प्रभु आप धर्म के स्वरूप हैं, आप परम चेतन हैं, मेरी चेतना ठीक करिए, मेरे धर्म के विचार को ठीक करिए। ये सातवें श्लोक की बात है। अब हम आठवें का पाठ अभी किए हैं, तो उसमें वो कहते हैं, न ही प्रपश्याम ममाप्तुनुद्याजेच्छोक मुच्छोषण इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वशपत्न वृद्धम राज्यम सुराणाम अपिचाधिपत्यम। न ही प्रपश्याम, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। क्या नहीं देख पा रहा हूँ? न ही प्रपश्याम ममाप्तुनुद्याजेच्छोक मुच्छोषण इंद्रियाणाम यत शोक उच्छोषणम इंद्रियाणाम, कि मेरे इंद्रियों के शोक को दूर करने वाला कुछ है मेरे पास, ऐसा कोई उपाय। मेरे अंदर जो शोक व्याप्त हो गया है, तात्पर्य है मेरा मन बुद्धि चित्त सब कुछ शोक ग्रस्त हो गया है, मोह के कारण, अज्ञान के कारण, कायरता के कारण, विमूढ़ चित्त होने के कारण जो मेरे अंदर शोक व्याप्त हो गया है, उस शोक को दूर करने वाला कोई साधन मैं नहीं देख पा रहा हूं प्रभु। और अवाप्य भूमा वशपत्न मृद्धम राज्यम सुराणाम अपिचाधिपत्यम, केवल हस्तिनापुर के राज्य की ही बात नहीं है, पूरे भारत के भी राज्य की बात नहीं है। यदि मुझे देवताओं के भी लोक की प्राप्ति हो रही हो, राज्यम सुराणाम अपिचाधिपत्यम, देवताओं का भी राज्य मुझको मिल रहा हो, तब भी मेरे शोक को दूर करने वाला ये सब असमर्थ दिखलाई पड़ रहा है। ये नहीं कि मुझे धन मिल जाएगा, राजा का पद मिल जाएगा तो मेरा कष्ट शोक दूर हो जाएगा। मुझे तो प्रभु यहाँ तो धरती का राज्य है, मैं तो आपकी कृपा से स्वर्ग में गया था। अर्जुन गए थे भगवान की कृपा स्वर्ग में, वहाँ उन्होंने सब देखा है वैभव राज्य। वो कहते हैं वो भी मिल जाए तब भी मेरा शोक दूर नहीं होगा, मेरी समझ में आ रही बात। तो फिर क्या करना है? अब वो संजय आगे की बात बताते हैं। अर्जुन को जो कहना था सो कह चुके, अब आगे संजय बता रहे हैं जो दर्शन किया है उस बात को, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं संजय। आगे आप पाठ करिए। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अब समझिए, अर्जुन को जो कहना था वो तो कह के शांत हो गए। अब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान कुछ मेरे कल्याण के लिए बोलें, लेकिन उस पोजीशन को देख रहे हैं संजय दिव्य दृष्टि के द्वारा। तो वो कह रहे हैं कि एवं उक्त्वा, ऐसा बोल करके अर्जुन ने, ऋषिकेशम गुडाकेशम परंतप, जो ऋषिकेश भगवान हैं, सबकी इंद्रियों के स्वामी हैं, सबके मालिक हैं, उनसे जो इस प्रकार बोल करके चुप हो गए, वो कौन है? वो परंतप हैं और गुडाकेश हैं। अर्जुन परंतप अर्थात महान तपस्वी हैं, और गुडाकेश का तात्पर्य होता है इंद्रिय जयी हैं, नहीं निद्रा जयी। गुडाका माने निद्रा होता है, गुडाका का ईश अर्थात निद्रा के स्वामी हैं। निद्रा जीत लिए हैं अर्जुन ने, निद्रा जीता है, तपस्वी हैं,
उन महान तपस्वी और निद्राजयी अर्जुन ने एव मुक्त्वा ऋषिकेश ऐसा भगवान से कह करके फिर चुप हो गए। क्या तात्पर्य? इसका मतलब यह हुआ कि संजय भले प्रतिपक्ष में हैं, अन्यायी राजा के सेवक हैं, लेकिन संजय की जो दिव्य दृष्टि उस समय प्राप्त थी उसके कारण से वो समझ रहे हैं कि अर्जुन साधारण नहीं है, अर्जुन महान तपस्वी हैं और निद्राजयी हैं, बहुत गुण है इनके अंदर। और ये भगवान ऋषिकेश अर्थात सब के स्वामी प्रभु से जो कहना था ये कह करके फिर समापन में एक शब्द बोलते हैं, न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अर्थात हे प्रभु, मुझे जो कुछ कहना था मैंने तो निवेदन कर दिया, अब आखिरी शब्द मेरा यही है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा लग रहा है जैसे शरणागति तो स्वीकार की है, लेकिन शरणागति का वास्तविक स्वरूप उस समय अर्जुन को याद नहीं था, क्योंकि जो शरणागत हो जाता है वो फिर अपनी इच्छा नहीं व्यक्त कर सकता है, वो मालिक की इच्छा में चलता है। और यही अर्जुन आगे चल करके जब 18वां अध्याय पूर्ण होता है उस समय भगवान पूछते हैं कि कच्चिदेत श्रुतम पार्थ तो एकाग्रेण चेतसा कच्चिद अज्ञान सम्मोह पुनस्तस्ते धनंजय। हे अर्जुन, तुम्हारा मोह खत्म हुआ कि नहीं? क्या तुम्हारा अज्ञान समाप्त हुआ या नहीं हुआ? तो अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। वहां प्रभु उन्होंने अर्जुन ने कहा, प्रभु आपकी कृपा से मोह खत्म हो गया और करिष्ये वचनम तव, अब मेरी कोई इच्छा नहीं, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। करिष्ये वचनम, आपकी आज्ञा पूरी पूरी मानूंगा, इसके अलावा दूसरा कोई विचार ही नहीं है। शरणागत उस समय हुए हैं जब भगवान ने कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यहां शुरू में जो शरणागति है उसमें अपना एक आग्रह उनका बचा रह गया है, न योत्स्य इति गोविंद, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चाहे जो बात आप कहो सब मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन युद्ध करने की बात मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं हो रही है। और ऐसा बोल करके वे चुप हो गए। इसके बाद अब पाठ कर लेते हैं, लेकिन भाव हम कल बताएंगे। इसके बाद वाला श्लोक जो 10वां श्लोक है उसको पाठ कर लीजिए, उसका भाव कल बताएंगे। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोर भयोर्मध्ये विषीदन्त मिदं वचः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। थोड़ा सा अर्थ बता रहा हूं उसका भाव, और कल और उसकी व्याख्या भाव की करूंगा। तम वाच ऋषिकेश, तो जो शोकग्रस्त अर्जुन थे उनको भगवान ऋषिकेश अर्थात भगवान कृष्ण बोले, अभी बोलना शुरू नहीं हुआ है, ये कह रहे हैं कि बोलने के पहले, संजय कह रहे हैं कि बोलने के पहले प्रहसन्निव भगवान हंसने लगे, भगवान हंसने लगे बोलने के पहले। और सेनयोर उभयोर मध्ये विषीदन्तम इदं वचः, दोनों सेनाओं के बीच में विषादग्रस्त अर्जुन से भगवान हंसते हुए बोले। हंसते हुए क्या बोले ये बात तो अगले श्लोक में आएगा,
ग्यारहवां श्लोक से भगवान का गुरु वाला उपदेश शुरू होता है। इसके पहले जो उपदेश दो श्लोक में आपने सुना था वो कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमं पशुम उपसितम अनार्युष्ट मर्ग मस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नहीं तत्व उपदेश शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, ये दो श्लोक बोले थे प्रभु। वो एक मित्र की तरह से सलाह देते हुए बोले थे। और उसके बाद अब बोल दिया अर्जुन ने कि शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हो गया प्रभु, और कोई रिश्ता अब नहीं रहा। तब भगवान जैसे गुरु अपने शिष्य को उपदेश करें उस प्रकार से उपदेश करते हैं, लेकिन उपदेश करने में पहले हंसे हैं, उसका क्या रहस्य मैं कल बताऊंगा। श्री राधे राधे। हम भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय भक्त अर्जुन को रणांगण में विद्यमान दिव्य रथ पर उनकी शोभा निहार करके बारंबार प्रणाम करके विराम दे रहे हैं। श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे।